सिर्फ गेंद से नहीं बल्ले से भी कमाल दिखाएंगे उमरान मलिक। क्या टीम को मिलेगा उमरान मलिक की शक्ल में नया ऑलराउंडर? दोस्तों, न्यूजीलैंड जाने से पहले और भारतीय टीम में शामिल होने से पहले उमरान मलिक जमकर पसीना बहाते हुए देखे गए थे। अपनी तूफानी गेंदबाजी से तो वो जाने ही जाते हैं, अब उमरान मलिक बल्ले से भी कमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। उमरान मलिक जमकर बैटिंग का अभ्यास करते दिखाई दे रहे हैं ताकि जब भी उन्हें टीम के लिए बैटिंग करने का मौका मिले तो वो अपनी ऑलराउंडर वाली कारगर्दगी दिखा सके, टीम के लिए एक ऑलराउंडर की भूमिका भी निभा सके। और अब न्यूजीलैंड दौरे पर उमरान मलिक का जब टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गया है और अगर उन्हें प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलता है तो उमरान मलिक अपनी गेंदबाजी के साथ साथ अपनी बल्लेबाजी से भी सामने वाली टीम को चौंका सकते हैं और टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण रन बनाकर टीम की जीत में योगदान देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। दोस्तों, आपकी राय में क्या उमरान मलिक को एक ऑलराउंडर बनकर उभरना चाहिए या अपनी गेंदबाजी पर ही फोकस करना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं।